और बिहार सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, टूट गई पशुपति पारस की पार्टी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे, पारस के चारों सांसद चिराग पासवान के संपर्क में और बीजेपी के संपर्क में चंदन सिंह, प्रिंस राज, और इसके अलावा आपको ये भी बता दें महबूब अली कैसर भी चिराग पासवान के संपर्क में है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं बिहार, और सूत्रों के हवाले से आपको जानकारी दे रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि पशुपति पारस की पार्टी टूट गई और पारस के जो चारों की चारों सांसद है वो चिराग और बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। नाम आपको बता रहे चंदन सिंह, प्रिंस राज, वीना, इसके अलावा महबूब अली कैसर भी चिराग पासवान के संपर्क में है। आप बखूबी जानते हैं कि पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा फिलहाल दिया और इसी बीच लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि ऐसा हो सकता है। अब फिलहाल ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, जहां पर आपको बता दें कि चिराग पासवान के संपर्क में पासवान, चंदन सिंह, वीना देवी, महबूब अली केसर, चिराग पासवान और आपके एनडीए के संपर्क में हैं। वैसे हमें तो ऐसा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना बात ज़रूर है कि वीना देवी और महबूब अली केसर जी डेफिनेटली चिराग जी के संपर्क में, हम सब जानते ही हैं। और चंदन सिंह जी के बारे में भी हम लोग सुन रहे हैं कि सूरजभान सिंह जी का दो चार इंटरव्यू भी हम लोगों ने देखा था, उसमें उन्होंने साफ किया है कि भाई वो पशुपति कुमार क्या कहते हैं पारस जी के साथ तो है, लेकिन वो एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे। और जबकि अभी सर ने इस्तीफा दे दिया है, तो देखने वाली बात ये है कि चंदन सिंह जी अभी किसके सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। और प्रिंस राज जी के बारे में ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि उन्होंने अपने लास्ट पोस्ट में डाला था कि वो एनडीए के साथ हैं और हमेशा से रहेंगे। और अगर इस दौरान अगर दोनों परिवार एक हो जाते हैं और दोनों भाई मिल जाते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। रही बात हमारी मंत्री जी की, मंत्री जी का अपना स्टैंड है, उनको हाजीपुर लड़ने का पूरा हक है। तो सबसे पहले भारत 24 ने आप तक जानकारी पहुंचाई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, और खुद आपने सुना कि प्रवक्ता की तरफ से क्या कुछ कहा गया। सर्वेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, कल एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर जानकारी दी गई थी, जिसमें पशुपति पारस को सीट नहीं दी गई और उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने इस्तीफा भी फिलहाल दिया। क्या ये वजह माने कि पहले से सब कुछ पता था क्योंकि चिराग पासवान के संपर्क में थे और उन्हीं के साथ फिलहाल इस सांसद जाने वाले हैं? देखिए बिल्कुल ये बात साफ हो गई है कि अब पारस के पास ना उनकी पार्टी बचेगी ना उनके सांसद बचेंगे, क्योंकि ये सांसद थे लोजपा के चिराग पासवान को लेकर, और उससे अगर बात की जाए पारस गुट की तो उनके पास पांच जो ऐसे सांसद थे जो उनके पास थे, और वो पांच सांसद एक तरह से कहा जाए तो पशुपति पारस को छोड़कर बाकी जो चार सांसद हैं, चाहे वो चंदन सिंह की बात कर लें, वीना देवी की बात कर लें, या फिर महबूब अली कैसर की बात कर लें, और खुद उसके भतीजे प्रिंस राज की बात कर लें, ये चारों सांसद कहीं ना कहीं बगावत कर चुके हैं और सीधे तौर पे, और इस पांचों सांसद चारों सांसद को ले कहा जाए तो विराट पासवान की तरफ अपना रुख कर दिया है और लोजपा के साथ साथ भाजपा के संपर्क में भी है। इस तरह से कहा जा सकता है पशुपति पारस की बात टूट रही है, अब पार्टी बचाने के साथ साथ अब उनको अपने सांसद भी बचाने की नौबत आ गई है। जी सर्वेश, क्योंकि आप बता रहे हैं कि सांसद बचाने की नौबत आ चुकी है, क्या लग रहा है कि उनका क्या हो सकता है अगला स्टेप? सर्वेश देखिए पशुपति पारस के तौर पर अभी लालू प्रसाद यादव मिलने वाले हैं और मिलकर अपनी बात रखने वाले हैं, लेकिन अब उनका सांसद ही नहीं बचे हैं कि इसको लेकर वो चुनाव में जाएंगे, तो इस परिस्थिति में साफ हो गया है हाजीपुर सीट तो उनकी चिराग पासवान ने ले ली है। कहा जाए तो अगर वो महागठबंधन के साथ आते भी हैं तो हाजीपुर से फाइट नहीं दे पाएंगे चिराग पासवान को, क्योंकि जिस तरीके से हाजीपुर सीट के बारे में कहा जाता है कि रामविलास पासवान की वो परंपरागत सीट रही है, और कभी भी ये माना जाता रहा है कि अगर पिता की मृत्यु हो जाती है या पिता वो सीट छोड़ता है तो बेटे को ही वो सीट मिलती है, चाहे वो आप मुलायम सिंह यादव की बात कर लें, अगर उनका उत्तराधिकारी की बात करें तो अखिलेश यादव हुए वहां पे उत्तराधिकारी, शिवपाल यादव वहां नहीं हुए, तो अगर रामविलास पासवान नहीं है तो उनके उत्तराधिकारी चिराग पासवान ही होते, पशुपति पारस नहीं हो सकते। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पांच सीटें चिराग पासवान के खाते में गई हैं उसको लेकर लोजपा में, चाहे वो पारस को थो या ये चिराग पासवान में खलबली है, बेचैनी है, और माना यही जा रहा है कि जो सीटिंग एमपी है उसी को इस बार रिपीट किया जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में जो चार सांसद है जो पशुपति पारस के रूप में है, चाहे वो बात कर लें प्रिंस राज की, बात कर लें चंदन सिंह की, बात कर लें वीरा देवी की, बात कर लें महबूब अली कैसर की, तो ये चारों सांसद ऐसे हैं जो फिलहाल चिराग पासवान के संपर्क में हैं और
भाजपा के संपर्क में है और माना यही जा रहा है कि अब ये लोग भाजपा या फिर चिराग पासवान के सिंपल पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर ये पाला बदलते हैं तो ऐसी परिस्थिति में पशुपति पारस को अपना चुनाव चिन्ह भी खोना पड़ेगा। जो बंगला चुनाव चिन्ह जो लोकसभा की पहचान रही है रामविलास पासवान के समय से, इसको चिराग पासवान हमेशा अपने पाले में करने की कोशिश करते रहे हैं। एक कथकार या तो बंगला चुनाव चिन्ह भी अब चिराग पासवान को मिल जाएगा। तो पशुपति पारस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। अब देखने वाली बात होगी अगर वो लालू प्रसाद यादव से मिलते हैं तो वहां से उनको क्या सर, इस फटाफट से एक आंसर आप दे दीजिए कि क्या असर इसका पड़ता हुआ नजर आएगा जल्दी से। देखिए असर तो साफ है, असर तो राव में स्पष्ट हो गया है कि ऐसी परिस्थिति में बीजेपी कोई भी कोना नहीं खोला जाते जहां पे उसको पास खाना पड़े। यही वजह है कि इस तरीके से ये चुनावी सरगर्मी बढ़ी है। उसके बाद से सीटों का जो तालमेल देखने मिल रहा है, दोस्तों देखने मिल रहा है, उसके तहत ये माना जा रहा है कि इंडिया को अपर हैंड मिल चुका है बिहार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, और सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि पशुपति पारस की पार्टी जो है वो टूट ही गई लगभग क्योंकि उनके जो चारों सांसद थे वो चिराग पासवान और इसके अलावा बीजेपी के संपर्क में थे।